तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं जब खाना बना रही थी, मेरा गैस हो गया था लीक। और फिर मेरा रूममेट अविशी मुझे बोला, दीदी आप उस गैस में खाना मत बनाइए क्योंकि ये लीक होगा, फिर और भी जितना गैस है सब ब्लास्ट होगा और मेरा मालिक का घर जाएगा ऊपर घूम। तो मैं आई थी गैस ठीक कराने, तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा घूम भी लेते हैं। चलिए घूमते घूमते क्या मिलता है रास्ते में दिखाते हैं। तो देखो पूर्णिमा चादर झोलछन रोटी, ऐसी हमारे बंगाली के कहावत है। तो देख ही सकते आज का चांद कितना सुंदर है, ठीक मेरे जैसे है। यह है एक मंदिर, तो देख ही सकते इधर पे है भीम भैया। हेलो भीम भैया, कैसे हो आप? लोग आ गए थे खरीदने वेजिटेबल, और इधर पे खरीद रहे मेरे फ्रेंड्स लोग। और मेरा ये गैस भी ठीक हो गया और मैंने कर लिया बहुत सारा शॉपिंग। और ये अंडे ओशी और बहुत सारा शॉपिंग। हम लोग ने क्या क्या खरीदा ओशी? बहुत कुछ खरीदा ना हम लोगों ने। ग्रोसरी किने थी, एक किने थी। बहुत कुछ खरीदा। ये होता है हॉस्टल वालों का लाइफ कि बहुत कुछ आप करना पड़ता है, खुद अकेले करना पड़ता है क्योंकि कोई नहीं होता, मम्मी पापा दूर रहते हैं और हम लोगों को सब कुछ खुद से खरीदना पड़ता है। खुद ही बाजार करो, खुद ही गैस भरो, गैस भर के लाओ, खुद ही खाना बनाओ, सब कुछ खुद से करना पड़ता है। बी प्राउड। तो गाइस आपको पता ही है मैंने अभी बहुत सारा काम करके आई। काम कैसा, ये देखिए मैंने सोयाबीन खरीदा, कॉलगेट खरीदा, डिटर्जेंट खरीदा, आलू खरीदा, फिर पेस्ट आधा लहसुन का पेस्ट, फिर मेरा सबसे ज्यादा चावल। ओ भाई गॉड, चावल इतना चावल खाती हूँ, मेरा इतना सा चावल सिर्फ 4 दिन जाता है। यकीन होता है मेरा बॉडी देख के कि मैं इतना खाती हूँ। हाँ मैं चावल खाती हूँ, 2 किलो चावल 4 दिन में खत्म करती हूँ। और फिर मेरा गैस खत्म हो गया था और गैस में लीक भी हो रहा था, मैंने जो आपको पहले बोला था वो भी हो गया। दुकानदार बोले कुछ भी तो नहीं हुआ था, तुम डर गए, क्यों ऐसे डरते हो छोटे मोटे बात में, उनको क्या पता, उनको कुछ भी नहीं पता, छोड़ो। हम लोग एक गेम खेलेंगे, बहुत मजेदार है। जो जो लोग वेस्टर्न का दीदी नंबर 1 देखते हैं उन लोग को पता ही होगा, कान में ईयरफोन होगा और हम लोग कुछ बोलेंगे, इंडिकेट करेंगे और मेरा ये दोनों रूममेट को पहचानना पड़ेगा, वो लिरिक्स या वो जो नाम वो पहचानना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। तो चलो का गेम स्टार्ट हो रहा है। तो इधर पे कौन कौन खेल रहा है दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। तुम रेडी हो? यस। इधर पे ओशी के कान पे ईयरफोन और इधर पे हमारा प्यूक कुछ भी बोलेगा और वो बोलने से उसको बोलने में बोलना पड़ेगा, कि जैसे कि प्यू ने बोला कि प्रसन्नजीत, और इसको वो नहीं सुन के बोलना पड़ेगा, मतलब उसका मुंह पे जो ही आएगा वो ही उसको बोलना पड़ेगा, मतलब गैस करना पड़ेगा कौन सा नाम बोल रहा है, क्योंकि उसका ईयरफोन में गाना बज रहा है लैला मलैला। तो इधर पे पीयू ने बोला साली लियोन, देखो ये क्या बोलती है, जॉल की छु जॉल, सानी लियोन। ओइची को समझ ही नहीं रहा है वो क्या बोल रहा है। हाँ पीयू बोलो, तुम बोलते रहो। हाँ तुम बोलते रहो, हाँ बोलते रहो, जब तक नहीं बोलते बोलते रहो। और ओशी को नहीं आएगा तो उसको पास बोलना पड़ेगा 1 मिनट। गाइस इधर पे हमारा पीयू बार बार क्या बोल रही है, पीयू तू साली, हाँ साली नहीं होनी बोल रही है, बट हमारा ओशी गेट नहीं कर पा रहा है क्या बोल रहे, तो इसीलिए पास हो गया। अभी नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट चलते हैं। पास, तो इसने पास बोल दिया। अभी नेक्स्ट पीयू, अभी तुमको बोलना पड़ेगा। अभी पीयू बोलने वाले जीवन, तो देखते हैं कितना ओशी गेट कर पाती है वो बात को। तो स्टार्ट। जीवन। एक बार जीवन। जीवन। ओशी ने गेट कर लिया जीवन। तो थर्ड राउंड स्टार्ट। कोल्सी की। हाँ सेकंड चांस। कोल्सी की। ओ वाओ, राइट। ऋषि ने 3 राउंड में 2 राउंड एकदम अच्छे से जीवन और कोशिकी बोल दिया है,
तो गुड जॉब ओइशी। और अभी सेकंड राउंड है पीयू के साथ ओइशी का, तो देखते हैं कैसे कैसे वो लोग खेलते हैं। और पूरा ब्लॉग अच्छे से देखो। ये सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। क्या है? और इधर पे ओइशी बोलने के लिए भी रेडी है, तो ओइशी स्टार्ट। प्रेम 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 प्रेम। ओ पहले में बोल दिया प्रेम। वाह 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 पीयू। सेकंड राउंड स्टार्ट। ओइशी इधर पे पीयू तो दो राउंड में पहले में ट्राउजर और फिर प्रेम बोल ही दिया। हुआ ये तो विनर तो पीयू ही लग रही है। अभी देखते हैं थर्ड राउंड में पीयू कैसे खेलती है। ओइशी ठीक से खेलो ओइशी, जल्दी से थर्ड राउंड स्टार्ट। सिस्टमैटिक सिस ए मे टिक। तुम्हें बोलो पूछ जाबे पीयू बोलो बोलो, तुमको जीतना ही पड़ेगा। बोलो एक साथ बोलो, एक साथ बोलो। सिस्टमेटिक पीयू लास्ट पास पास बोलना ही पड़ेगा। अभी हो गया तो राउंड खत्म। विनर ही है क्योंकि दोनों ने ही, पीयू ने सिर्फ सिस्टमेटिक नहीं बोल पाया और ओइशी ने साली लियोनी को नहीं बोल पाया तो सब कुछ तो दोनों विनर है। अभी दोनों को ही गिफ्ट मिलेगा। देखते हैं क्या क्या मिलता है दोनों को। इधर पे पीयू ने जीत लिया 2 किलो चावल। पीयू लो ये खा के मोटे बनो। यस तो इधर जो ओइशी ने भी जीत लिया था सिर्फ साली लियोनी को छोड़ के, तो ओइशी जीत जा रहे हैं सोयाबीन। ये खा के मजबूत बनो, प्रोटीन बनाओ। गाइस मुझे लगता है आज का वीडियो आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा क्योंकि मैंने कुछ हटके किया है, थोड़ा बहुत कोशिश किया है हटके करने का। तो मेरा लाइफ कैसे चलता है, डेली में क्या क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत तो आप लोगों को मिल ही गया। और मैं मेरा रूममेट्स लोगों के साथ कितना मजा करता हूँ थोड़ा बहुत, और इन लोगों से कितना काम कराता हूँ वो भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो याद है ना ये कौन है, कुछ याद है? ये मेरा चैनल है। तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करती? इसको पता है ना मेरा चैनल है, सब्सक्राइब क्या करूँ गाइस? तो कैसे बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे, और मैं जो इतना थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ तो मुझे भी तो अच्छा लगेगा कोई सब्सक्राइब करा मेरा चैनल। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।